वेलकम टू टेक अ स्टेप। टेक अ स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बैंकॉक के लेस पॉपुलर प्लेस एंशिएंट सिटी के बारे में बताएंगे। कम लोकप्रिय होने का एक कारण ये हो सकता है क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, आने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले पहुँचते कैसे, सबसे नज़दीकी BTS जो है BTS खेका। BTS खेका पर उतर कर आपको शेयर टुक टुक मिल जाएगा जो कि 10 baht का चार्जेस लेता है। यहाँ का टाइमिंग्स है रोज सुबह 9 से 7, लेकिन कुछ 5 बजे या 4:30 ऐसे कुछ लोग रिमाइंडर देते हैं ताकि आप पहले ही एग्जिट पर आ जाएं। एंट्री फीस फॉरनर्स के लिए 700 baht है, चिल्ड्रन 350 baht। अगर आप एक्सपर्ट या मतलब कि आपके पास वर्क वीज़ा है, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको वो दिखाना होगा एंट्रेंस पे टिकट लेते वक्त, और आपको 400 baht का चार्ज लगेगा। अंदर काफ़ी बड़ा है तो आप पैदल ना ही करें तो बेटर है। साइकिल्स अवेलेबल हैं अगर आप साइकिल्स पे कंफर्टेबल हो तो। गोल्फ कार अवेलेबल हो अगर आप ग्रुप में आए हैं तो। गोल्फ कार कुछ 350 पहले घंटे के लिए लेता है और उसके बाद 100 baht लेता है सेकंड आर के हिसाब से, लाइक आर के हिसाब से उसका चार्जेस है। और अंदर ट्रैम जैसी सुविधा भी अवेलेबल है जिसके अंदर आप बैठ के राइड कर सकते हैं। वो आपको मेन प्लेसेस पे स्टॉप कर देंगे और आपको इतना लाइक लोकेशन का टाइम देंगे कि आपके पास हाफ एन आवर है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए और फिर वापस आ जाइए। अंदर काफ़ी सारे पुराने सुंदर और एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, पैलेसेस भी है जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। हम हर लोकेशन या सबको एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम था, तो मेक श्योर आप जाएं तो जल्दी जाएं यहाँ पे, और 4-5 घंटे से ज़्यादा समय हो तो ही जाएं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसको काफ़ी समय लगेगा। और अंदर खाना पानी अवेलेबल है, वो आपको जगह से जगह पर मिल जाएगा, महंगा नहीं है, अच्छे रेट्स में इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगा। अगर आप हाफ डे यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं तो बाकी बचा हुआ दिन आपको दूसरी एक म्यूज़ियम है, 11 म्यूज़ियम, जो कि BTS चैंग 11 पे है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट 2 places आप एक ही दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय यहाँ पर दीजिएगा, 5 hours या 6 hours या आपके हिसाब से 4 hours में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है मेन स्पॉट्स के लिए, तो मैप भी अवेलेबल है और वहाँ पर डायरेक्शंस है कि किधर क्या कैसे जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी मुश्किल होगा डायरेक्शंस को रीड करके जाने में क्योंकि नई जगह है तो डिफ़िकल्ट होगा, पर आप ज़रूर जाइए अंदर और जहाँ जितना हो सके उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you.